वहीं कांग्रेस की पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के बयान पर पलटवार किया है। जेपी नड्डा ने बीते दिनों बयान दिया था कि हरियाणा में हार के चलते कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और कांग्रेस सदमे में है। इस बयान को लेकर पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने कहा कि हरियाणा में बेशक कांग्रेस की हार हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जन आधार लोकसभा चुनाव में कम हो गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी की चिंता करने के बजाय अपने खिसकते जन आधार पर मंथन करना चाहिए। ऐसे है कि चुनाव जो है हम हरियाणा में हारे हैं, कुछ शायद हमारी भी गलतियां हों और कुछ भाजपा का जो जिस तरीके से ज्यादा पैसे देना अपने कैंडिडेट्स को और ऐसे ऐसे वाक्य बोलना और उकसाना, वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, नड्डा जी से, आप तो सिर्फ हरियाणा की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था पूरे हिंदुस्तान में, आपके जो प्रधानमंत्री थे और आप एक ही बात बोल रहे थे कि 400 सीटें आएंगी, 400 सीटें आएंगी, लेकिन आई कितनी? उनसे आधी। और बड़े अफसोस की बात है कि जो प्रधानमंत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से 7 लाख से एक चुनाव जीतता है, वो अभी जो चुनाव हुए लोकसभा के उसमें 1,50,000 से जीतता है।